मेरठ महानगर के पॉश बाजार आबूलेन में देर रात चाय के खोखे में आग लगने से हड़कंप मच गया। देर रात लगी आग में खोखा तो पूरी तरह जलकर राख हो गया, वहीं खोखे में रखे एलपीजी गैस सिलेंडर धमाके के साथ फट गए, जिससे आसपास के इलाकों के लोग आवाज़ सुनकर बाहर निकल आए। आग पर काबू पाने में दमकल विभाग को करीब एक घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी। महानगर के सबसे पौश इलाके आबूलेन में देर रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब बाजार में एक चाय के खोखे में भीषण आग लग गई। आग की सूचना पर व्यापारी भी मौके पर पहुंच गए। इसी बीच आग की जद में आकर एलपीजी सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया। धमाके की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी बाहर आ गए। पूरे आबूलेन में लोगों की भीड़ हो गई। सिलेंडर की चपेट में आने से कई व्यापारी मामूली रूप से जख्मी हो गए। आग बढ़ती देख आसपास की दुकानों को खाली करवा लिया गया, वहीं एक होटल को भी पूरी तरीके से खाली करवा लिया। होटल में रुके यात्रियों को भी बाहर निकाल दिया गया। सदर बाजार इलाके में आबूलेन पर कर्नेल होटल के सामने अमृत होटल के पास मंजू चाय का खोखा है। देर रात को मंजू का बेटा खोखा बंद कर घर चला गया। उसके जाने के बाद कुछ ही देर में खोखे से पहले धुआं निकला और उसके बाद आग की लपटें बाहर निकलने लगी। आग की लपटें देखकर व्यापारी नेता राजवीर ने इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी। जानकारी पर आबूलेन व्यापार संघ अध्यक्ष सरदार नरेंद्र जीतू नागपाल सहित अन्य लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन इसी बीच धमाके के साथ खोखे में रखा गैस सिलेंडर फट गया, जिसकी चपेट में आने से व्यापारी नेता कुछ हल्की रूप से जख्मी हो गए। सूचना के 15 मिनट बाद मौके पर दमकल की दो गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। थाना प्रभारी ने बताया कि चाय के खोखे में दो बड़े सिलेंडर और दो छोटे सिलेंडर रखे थे, जिसमें से एक बड़ा सिलेंडर फट गया। आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मैं राजस्थान पत्रिका के लिए मेरठ से केपी त्रिपाठी। सर, ये आग लगी है गड्ढा मार्केट बेगम पुल पर, क्या पूरा हुआ है नुकसान, कितना कितना लोग यहाँ पहुँचे, किस तरीके से आग लगी सर, क्या घटना थी? ये आबूलेन में गड्ढा मार्केट में एक खाली जगह थी, उसमें मंजू नाम की एक विधवा अपना झोपड़ी बना करके रहती थी। कहते हैं कभी कभी इधर उधर चाय भी बनाती थी और लोगों को पिलाती थी और मौके पर मौजूद थी, और उस समय किन कारणों से आग लगी उनकी जांच की जा रही है। और जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंची और आग को बुझाया। इसमें आग में जो है चार सिलेंडर उसमें चूंकि उस झोपड़ी में थे, लेकिन दो फट गए, दो से बच गए, किसी तरह कोई जीवान नहीं। मैं नरेंद्र सिंह, अध्यक्ष आबूलेन व्यापार संघ, संयुक्त व्यापार संघ का वाइस प्रेसिडेंट। मंगल पांडे बाजार है ये, इसके अंदर एक खोखा बना हुआ था, उस खोखे के अंदर चाय पानी का आया काम और एक दो सिलेंडर थे उसके अंदर। आग लग गई अपने आप, पता नहीं किसी ने सिगरेट पी होगी या कुछ पी है, कुछ डाली है, क्या करा है, वो तो दुकान बंद करके चली गई थी। लेकिन ये लकड़ी के टट्टर का बना हुआ है खोखा। सिलेंडर कैसे थे? सिलेंडर कॉमर्शियल थे, बड़े वाले थे दो सिलेंडर, जो वो फट गए, आधे आधे भरे हुए थे, वो सिलेंडर बंद करके गई थी। एक लेडी है इसकी मालिक, वीडियो है वो, उसे मंजू नाम है उसका, और वो चलाती थी इसे। तीन गाड़ी आ चुकी जी, बाकी अब बुझ गई है आग, तीन गाड़ियों में काम हो गया। ये थाना सदर का आबूलेन की घटना है। यहाँ सूचना मिली है कि सिलेंडर फटे हैं, आग लगी है। तुरंत जैसे सूचना मिली है, लोकल पुलिस जो वहाँ पहुँच गई है और अग्निशमन जो है यंत्र यहाँ समय से पहुँचा दिए गए थे। फायर ब्रिगेड पहुँची है और आग बुझा दी गई है। किसी भी तरह की किसी की जानमाल की हानि है नहीं हुई है। और ये किसी लेडी की दुकान है, उनसे पूछताछ करी जाएगी और इन चीज़ों की हम जांच कर रहे हैं कि किस कारण से आग लगी है। दो गाड़ियों आवश्यकता पड़ी थी। अभी तक ये पता चला है कि दो सिलेंडर फटे हैं और सही कारण क्या थे जिस वजह से आग लगी है, उस सब की हम जांच करेंगे। सर, सिलेंडर जो है घरेलू है क्या? कमर्शियल था कमर्शियल जी।